गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। सो दिस इज लैक्मे 925 सीसी क्रीम, बहुत ही अच्छी क्रीम है। दिस इज लाइट वेट, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। नॉन ग्रीसी है ये, नॉन ऑयली है। एंड नाउ लेट्स सी, सो दिस इज द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इस तरह से इसका आउटर बॉक्स है पिंक कलर का एंड इट्स रिटन ओवर हियर लैक्मे 925 सीसी क्रीम। और ये ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट और SPF 30 PA++ के साथ आती है। पहले इसका प्राइस 335 रुपीज था बट नाउ इट्स डिक्रीज एंड इट्स 299 रुपीज, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, क्वांटिटी इज 30 ग्राम एंड 2 इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। 2 इयर्स आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द शेड 03 ब्रॉन्ज, यहाँ पे इसका शेड मेंशन्ड है। इसमें 4 शेड्स आते हैं तो मेरी स्किन टोन से जो मैच करता हुआ है वो है ब्रॉन्ज। ये यू नो बीटिश, मीडियम बीटिश स्किन टोन के लिए, जो कि इंडियन स्किन टोन्स होती हैं। तो मोस्टली आप अगर शेड लेना चाहते हैं तो इस तरह से इसके 4 शेड्स हैं। सबसे लाइट है, इससे डार्क ही सबसे डार्क है। तो आप ये वाला मत लेना, थर्ड वाला लेना ब्रॉन्ज। ये वाला मैंने, मेरे पास बीज भी है बट दिस इज फॉर फेयर स्किन टोन्स। मैं भी अभी आपको उसका भी स्वॉच दिखाऊंगी और इसका भी स्वॉच दिखाऊंगी। सो एट द बैक ऑफ इट इट्स रिटन ओवर हियर इंस्टेंटली प्रोटेक्ट्स मॉइस्चराइजेस ब्राइटन्स इवन स्किन टोन कंसील्स एंड फ्रेशनेस। तो आपकी स्किन टोन को भी इवन करती है, यू नो चिटकी स्किन कहीं कहीं से ब्लैक ब्लैक होती है उसको भी ठीक कर देती है, ब्राइटन करती है आपके फेस को, एकदम से मॉइस्चराइज करती है, प्रोटेक्ट भी करती है, सन प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। इसमें SPF 30 है तो आपके लिए अगर आप अलग से सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसको ये अच्छे से वर्क करेगा और आपका फेस बिल्कुल फ्रेश रहता है और कंसील भी करता है आपके जितने ब्लेमिशेज हैं, डार्क सर्कल्स हैं, यू नो यहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं, पिंपल मार्क्स होते हैं, सबको अच्छे से इट विल कंसील ऑल द थिंग्स। सो नाउ लेट्स ओपन इट एंड सी इट्स प्रोडक्ट। सो दिस इज द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। इस तरह से ट्यूब है एंड स्क्वीज ट्यूब है एंड इट्स सिटिंग ओवर हियर लाइक मे 925 सीसी। ये एक कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम है एंड इस तरह इसके पीछे भी इसके वही सब चीजें लिखी हैं जो इसके आउटर पैकेजिंग भी है। तो अगर आपकी आउटर पैकेजिंग खो जाती है देन ऑल्सो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एंड एवरीथिंग। एंड इस तरह से इसका मेटालिक कैप है। सो आई ओपन इट नाउ। नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, यू नो सब स्किन टोन वाले इसको यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी। ओके सो दिस इज द शेड ब्रॉन्ज। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड और ये काफी इंडियन स्किन टोन्स पे जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट और स्मूद है और इजिली ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, यू नो थिक भी नहीं है, ज्यादा थिन भी नहीं है, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एंड यू कैन सी मैंने फिंगर से ब्लेंड किया है इसको, इसी से ये आसानी से ब्लेंड हो गया है। आप इसे यू नो मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं या फाउंडेशन ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कितनी अच्छी तरह इसने कवर किया, आप डिफरेंस देख सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस हेयर एंड हेयर, यू नो बिल्कुल सारे आपके, बहुत ही सिल्की स्मूथ फॉर्मूला है ये, बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी केकीनेस नहीं आती है, फ्लेकीनेस नहीं आती है। एंड ऑल्सो जितने भी आपके एक्ने मार्क्स है, पिंपल मार्क्स है, अनइवन स्किन टोन है, यू नो जिनकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है, ब्लैक स्किन होती है कहीं जगह से, यू नो उस सबको ये कवर कर देगा, कंसील कर देगा। आपको अलग से कंसीलर लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो। और बहुत ही लॉन्ग वेयरिंग है, फुल डे वर्क करता है, यू नो होल डे इट रिमेन्स ऑन योर फेस, कहीं पे भी नहीं जाता, ये आपके फेस पे ही रहेगा। एंड यू कैन सी अभी मैंने इसको हल्के से इसी तरह से ब्लेंड किया है, प्रॉपरली ब्लेंड करूंगी तो और अच्छा कवरेज मिलेगा। यू कैन सी मीडियम कवरेज, इसका हाई कवरेज भी आप कर सकते हैं, इसको आप एक लेयर और अप्लाई करेंगे तो हाई कवरेज भी हो जाएगा। बट आई थिंक दिस मच कवरेज इज इनफ अगर आपको डेली वेयर के लिए चाहिए या फिर यू नो डेली वेयर के लिए काफी अच्छा है, हाउस वाइफ्स होती हैं, यू नो उनको डेली यूज में चाहिए होता है, सो यू दे कैन यूज दिस वन। या कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, टीनेजर्स है, यू नो यू हैव टू गो टू एनी पार्टी और एनी वेयर, और आप इससे वेडिंग के यू नो मेकअप भी कर सकते हैं, इसको हाई कवरेज भी कर सकते हैं इसके 2 लेयर्स अप्लाई करके। बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट फॉर्मूला है एंड फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है इसमें, जैसे यू नो ऑल एक्ने के प्रोडक्ट्स में आती है द सेम फ्रेग्रेंस कम्स, बहुत ही माइल्ड है। थोड़ी बात आई एम गोइंग टू शो यू द स्वॉचेस ऑफ बोथ द शेड्स। सो द फर्स्ट वन इज दिस वन 03 ब्रॉन्ज। तो यू कैन सी द शेड 03 ब्रॉन्ज और ये बीटिश मीडियम यू नो स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी है। एंड द सेकेंड वन इज अ मिनी वन, ये मिनी वाली है इसकी। एंड दिस इज द शेड 01 बेज, ये मेरी स्किन के लिए काफी लाइट है और ये 9 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है और इसका प्राइस है 99 रुपीज। ये पहले मैंने अपना शेड ट्राई करने के लिए ली थी बट मेरे को बहुत ज्यादा लाइट लगा मेरी स्किन पे तो फिर मैंने ब्रॉन्ज लिया है।
and you can see this is the shade bronze, beige, 01 beige है और ये 03 bronze है. अगर आप Indian skin tone है, आपकी medium to whitish मेरे जैसे skin tone है, तो आप 03 bronze लें, और अगर आपकी fair skin tone है तो आप 01 beige. Gives you goodness of skin care also and glam of makeup. Makeup भी आपको मिल रहा है इसमें, इसका skin care भी मिल रहा है क्योंकि आपको skin, sun protection मिल रही है और आपकी skin को moisturize भी रखता है. बिल्कुल smooth skin हो जाती है आपकी, soft skin हो जाती है. एंड ऑल इन वन प्रोडक्ट है ये, आई रियली लाइक दिस. और मैं आपको इसको डेमो करके दिखाती हूँ कि कैरी आराम से कैप बंद करा, बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा. इट गिव्स यू अ मैट फिनिश एंड नेचुरली ग्लोइंग स्किन. बिल्कुल भी आपकी स्किन इस तरह नहीं लगती कि बहुत ही ज्यादा मैट हो गई है, बहुत ड्राई होती है. ड्राई आउट नहीं करता आपकी स्किन को, आपकी रेडियंट स्किन रहती है, नॉर्मल मैट स्किन. एंड इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस बेस मिलता है आपको. ऑयली स्किन वाले भी अगर आप इसको अप्लाई करें तो आप अच्छे से अप्लाई करके अपने फेस को सेट कर लो और आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनने वाला है. इट गिव्स यू अ नाइस कवरेज, सो अ बिट thumbs up from my side, and I hope you like the video. And if you like the video, then please subscribe to my channel, like, comment, and share with your friends. Thank you. Bye bye.